उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह आज मंगलौर में चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि में शामिल हुए। वहीं इस दौरान हमारे संवाददाता ने उनसे आने वाले विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों को लेकर बात की। क्या कुछ कहा प्रीतम सिंह जी ने, आप भी इसको सुनिए जरा। प्रीतम सिंह जी मौजूद हैं, जो नेता प्रतिपक्ष है और पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं कांग्रेस के। हरीश रावत के एक बयान ने कांग्रेस में हलचल मचा दी है। आज दिल्ली से फरमान आया है कि जितने भी वरिष्ठ कांग्रेसी हैं उनको तलब कर लिया गया है। प्रीतम सिंह जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। प्रीतम सिंह जी, क्या कौन मगरमच्छ है? अगर आप हरीश रावत जी के ट्वीट को देखेंगे तो उन्होंने इस बात को कहा कि जिस दरिया में तैरना है उस दरिया में सत्ता पक्ष के बहुत सारे मगरमच्छ है, तो उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में इस बात को कहा है। तो दिल्ली जितने भी वरिष्ठ कांग्रेसी हैं उनको क्यों तलब किया गया है? नहीं देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व समय समय पर हमको वार्ता के लिए बुलाते हैं। प्रदेश की स्थिति क्या है उस परिप्रेक्ष्य में हमको बुलाया जाता है और ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, उसी परिप्रेक्ष्य में बुलाया। जग जाहिर है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, कांग्रेस दो गुटों में बटी हुई है, एक गुट आपका है और एक हरीश रावत जी का गुट है। काफी लंबे समय से आपके जितने भी समर्थक हैं वो हरीश रावत जी के प्रोग्राम में दिखाई नहीं देते, ऐसा क्यों? देखिए, मेरा कोई गुट नहीं है, मैं तो कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। सोनिया जी, राहुल गांधी जी, मैं निष्ठा रखता हूँ और जो दायित्व राष्ट्रीय नेतृत्व मुझे देता है उस दायित्व का निर्वहन करने का काम करता हूँ। क्या पंजाब की तरह यहाँ देखने को मिलेगा अमरिंदर सिंह जी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 2022 में कांग्रेस जो है उत्तराखंड राज्य के अंदर सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस ने अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया, क्या वजह मान रहे हैं? क्या गुटबाजी की यही वजह है? देखिए, चेहरा कौन होगा, होगा नहीं होगा, ये फैसला लेने का अधिकार प्रीतम सिंह को नहीं है, ये अधिकार राष्ट्रीय नेतृत्व में निहित है, वो इस परिप्रेक्ष्य में जो है निर्णय लेंगे। अब उन्होंने अब तक कहा है कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो सामूहिक नेतृत्व में हम चुनाव में जाएंगे। आखिरी सवाल, क्या इस तरह जिस तरह गुटबाजी देखने को मिल रही है कांग्रेस में, कलह जो है खुल के सामने आ गई है, क्या 2022 कांग्रेस जीत पाएगी इस तरीके से? नहीं, कांग्रेस में गुटबाजी कहाँ से आ गई? राव जी ने ट्वीट किया है और गुटबाजी उसमें कहाँ से आ गई? उन्होंने एक ट्वीट किया है और हमारे नेता हैं, उन्होंने अपनी बात कही है, तो उस पर मैं कोई टिप्पणी करूँ कदापि उचित नहीं। मगरमच्छ कौन है, किसके बारे में मगरमच्छ कहा है राव जी ने? मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, अगर आपने हरीश राव जी के ट्वीट को पढ़ा होगा तो उन्होंने लिखा है कि जिस समुद्र में तैरना है उस समुद्र में जो है सत्ता पक्ष के मगरमच्छ हैं, तो वही सत्ता पक्ष से उनका तात्पर्य है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रीतम सिंह जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है, लेकिन गुटबाजी जग जाहिर है। अपने सहयोगी अकील अहमद के साथ मैं मोहम्मद अजीम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, हरिद्वार, मंगलौर।